अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। ये देखें सारे चूजे जो है ना, ये देख के भागे भागे आ गए हैं कि हमें अब खाना मिलने लगा। देता हूँ खाना तुम्हें यार। ये देखें, मैं अपने पीकॉक्स के लिए और चूजों के लिए सबसे पहले खाना लेके आया हूँ। ये देखें, देख रहे हैं, आ रहा हूँ यार, तुम्हारे केज में ही आ रहा हूँ। चलो तुम लोग, हाँ जी आ जाओ, थोड़ी दोस्ती कर लो मेरे साथ। नहीं सोच रहा, अभी पूछा इसने पूरी तकरीबन, ये देखें सारे पर जो है ना, ये इसी के ही हैं। इसने रही से एक कसर पूरी झाड़ ली है। आ गया हूँ, दाना मिलने लगा। आ जाओ, चलो चलो अंदर। अच्छा, मैंने इनको अपनी तरफ से 1.5 कप ज़्यादा डाला था, इन्हें 1.5 कप भी खा लिया हुआ है, इसलिए मैं आज 2 कप लेके आया हूँ दाना इनके लिए, कि देखें तो सही है कितना का खाना खा सकते हैं। डालने तो दो, तुम पहले ही चूंचे मारने स्टार्ट करते हैं तुमने। हैं चलो एंजॉय करो सारे चूजों की। भाई अब फुल स्पीड हो गई है ये, भाई वो शुरलियों की तरह इधर उधर जाते हैं सारे। और एक गुड न्यूज़ मैंने आप लोगों को सुनानी थी, वो ये थी कि वो देखें, हमारे जो ब्राउन किंग की फीमेल है ना, उसने एक खुड्डा मल लिया और उसमें जाना स्टार्ट कर दिया। गुड न्यूज़ ये ऐसे है कि अब जो है ना, हमारे पास ब्राउन किंग के बेबीज़ भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमारे पास ढेर सारे वाइट कबूतर है ना, इनमें कोई डिफरेंट कलर भी आएगा। अब इस साइड से दिखाता हूँ मैं आपको, अगर हो जाओ फोकस, नहीं कर रहा कैमरा फोकस, कैमरा कहता मैं नहीं फोकस करता। ये देखिए वो बैठी है ब्राउन किंग के फीमेल। हाँ जी अंडा पे बैठे, कैसे शुगर लगा रहे, 2 अंडे रखे हुए होमर ने। इनके लिए भी दाना लेके आते हैं आज इनको दाना डालना है हमने थोड़ा, क्योंकि पिछले कुछ दिन हमने इनको इतना ज़्यादा दाना डाला कि इन्होंने जो है ना थोड़ा सा ज़ाया किया और बचा हुआ है इनके ना बर्तनों में। आज इतना दाना बहुत है इनके लिए। इतने दाने के साथ पानी, भाई ऐसे टका के पी रहे हैं कबूतर, मुझे लगता है मुझे 2 बर्तन रखने पड़ेंगे अंदर पानी वाले। एक तो ये ऐसे दस्ती मुका देते हैं, रोज़ पानी डालना पड़ा है आजकल इनको रोज़। लेकिन वो भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, रोज़ भी आप डाल सकते हैं, और करने क्या है मैंने हैं। बाहर तो निकलना स्टार्ट हो गए, लेकिन इसके जो है ना चोंच पे देखें कितने मौके शोके निकले हुए। तो ये देखो एक अंडा, ये बाहर क्यों कर दिया तुमने, ठंडा कर दिया पूरा अंडा, खराब हो जाएगा। ये दोनों अंडों पे बैठो, बैठना तुमने तो। और ये सेंटिनल के बेबी के लिए तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि ये पता नहीं बच्चा बचता है कि नहीं बचता है। देखें की तो एक आंख भी जो है ना मौके की वजह से बंद है, इतना छोटा ये, इसको बंदा कुछ दे भी नहीं सकता। चलो जी मैं कहता ये बचता नहीं बचता, बड़े वाला बच्चा मर गया।
क्या ही किया जा सकता है। देखो इतना वो पता नहीं कब से मरा हुआ है कि सुंडियां भी पड़ना स्टार्ट हो गई उसकी बॉडी को। यार इनके केजीज की ना, पिजन के केजीज में बहुत गंद डाल गया हुआ है। अब जो है ना इनको करते हैं साफ, इनके लिए फ्रेश पानी लाते हैं और इंशाल्लाह इस वीकेंड पे जो है ना इनका केज पूरा नीट एंड क्लीन कर देते हैं। तो गाइस इस दफ़ा जो है ना मैंने मुर्गियों का जो दाना बनवाया ना इसमें कोई उटपटांग चीज़ नहीं ना मिक्स कराई, तो मेरे जो असील हैं ना ये अच्छे तरीके से खा रहे हैं दाना, और जो मेरी देसी मुर्गियाँ ना उनके मुंह को लग गए हुए हैं सनफ्लावर सीड और ये वो उल्टी सीधी चीज़ें, तो उन्होंने जो है ना वो दाना इतने शौक से नहीं खा रहे। तो अगली दफ़ा मैं दोबारा से मिक्स करा ही लूँगा। बंटी बबली पीछे जाए बदमाश, ओए हो बबली ये बहुत जोर से काटा तुमने मुझे, इंसान बन जाओ तुम। लो जी नेक्स्ट बारी आ चुकी है जी हमारी सिल्की गैंग की। सिल्की गैंग दाना दाया करते हुए रोज ब्लैक सिल्की बगैर अंडों के कुड़क बैठी रहती है हमारी, इसका पता नहीं क्या करेंगे हम। और ये रोज दाना खा के अपना बर्तन पलटा देते हैं या उसको भूरे से भर देते हैं। चलो आ गई बारी तुम्हारी, आ गई, आज जल्दी जल्दी दाना डाला मैंने सारों को ताकि तुम्हारी बारी आ जाए। हाँ जी खोल दिया जाए आप लोगों को, बाहर निकल के कोई धूप वगैरह सेकनी है सेक लो थोड़ी सी। चलो जी आजादी मिल चुकी है जी ने, 14 अगस्त हो गई इनकी। तुम पहले ही ना अंडों पे बैठा करो, मेरे आते से आती ना अंडों से उठ के दौड़ जाती है ये। बंदा पूछे इससे तुम अंडों पे बैठी क्यों थी अगर तुम्हें कुड़क नहीं आई सही तरह से, जोर से कुड़क नहीं ना आई हुई अभी से, बस डम आ दी अभी। देखें ये लाल मुर्गी मेरे साथ साथ चल रही है, इसको पता दाना आ गया। ये सबसे समझदार मुर्गी है इन सारों में से और सबसे ज्यादा बदतमीज भी। इस दफा मेरी मुर्गियां जो है ना नखरे कर रही हैं दाना खाते हुए, इनका का इलाज करना पड़ना है। कोई नहीं दाना तो यही है, अब जब भूख लगे इनको सही वाली फिर खुद ही खा लेंगे। हाँ जी भाई क्या सीन है। ले जी सारी मुर्गियों ने धूप वगैरह सेक लिया, मैंने उतनी देर पानी का बर्तन भर दिया इनका। पीछे हो जा भाई पानी रखने दे, कुछ ने दाना खाना स्टार्ट कर दिया, कुछ बाहर घूम फिर रही है। इनको भी बंद करते हैं ताकि ये जो है ना दाना वगैरह खाना स्टार्ट करें। मौला बख्श हमने पकड़ लिया, ये मौला बख्श है, ये मौला बख्श जो है ना ये इनको गाइड करेगा कि आपने इंसान के बच्चों की तरह जो है ना केज के अंदर जाना। चलो जी चलो चलो मौला बख्श आ गया। ये देख ब्रह्मा हमारे साथ बदतमीजी, चलो चलो अंदर चलो 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 चलो
चलो चलो ब्रामा। ओ ब्रामा, अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा भाई? अंदर चली जा, तेरी वजह से बाकी ने भी बाहर आ जाना है। आ जा, तुझे पकड़ के प्यार से अंदर करूंगा। आ जा मेरा बच्चा। अब मुर्गियों की काउंटिंग होगी, 1 2 3 4। ब्लैक मुर्गी, ब्राउन मुर्गी, 2 वाइट मुर्गियाँ, 4 मुर्गे, 1 2 3 4 5 असील मुर्गियाँ पूरी हैं जी। सारी मुर्गियाँ पूरी हैं जी, सारी मुर्गियाँ पूरी हैं। इसी तरह जो है ना, वो आज के काम हमारे होते हैं, हिंदी में कहते हैं समाप्त, ख़त्म हो गए जी हमारे काम। और दुआ करें कि ये जो हमारे कबूतर के बच्चे हैं ना, ये बीमार होने और मरने जो है ना ख़त्म कर दें, क्योंकि मच्छरों ने काट काट के जो है ना आजकल इनको बुरा हाल कर दिया। तो मेरे ख्याल से वीकेंड पे जो है ना, कल परसों इनकी सफाई कर देनी चाहिए केज की, ताकि जो है ना गंद वगैरह तो सारा जो है ना वो यहाँ से ख़त्म हो जाए। एक दफ़ा गंद ख़त्म हो जाएगा तो उसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े मच्छर जो आ रहे हैं, शायद वो भी आने काम हो जाए। अब कौन सा कोई सर्दी है जो इनको इन बिट्ठों से सेक चाहिए या हीट चाहिए, तो मौसम अब ठीक ही होता है, तो इजीली हम जो है ना वो सफाई वगैरह कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के, स्ट्रेस के। एक ही हल्की सी स्ट्रेस टेंशन होगी, वो ये है जी कि ये अंडे जो है ना वो जो दे रहे हैं, उसका भी मैंने एक इलाज सोचा कि यहाँ ना ऐसे यू शेप में 2-4 बना देते हैं, ईंटों के वार लगा देते हैं खुद ही कच्ची, उसके अंदर बैठ के जो है ना ये अंडे दे दिया करेंगे, ताकि इनके अंडे इधर उधर ना जाया करें। अंडे रोल करते हैं ये, तो कभी इधर चल खिसक इधर हो जाते हैं, कभी खिसक इधर हो जाते हैं, तो उस तरह भी जो है ना अंडे ठंडे होंगे, ख़राब होंगे, मसला जो है ना ख़राब हो उस तरह। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में हम ये मेहनत करेंगे सारी। आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।